बीसलपुर तहसील की कृषि मंडी में विकास कार्यों में चल रहे घोटाले को लेकर भाजपा विधायक रामशरण वर्मा ने छापेमारी कर मंडी सचिव व वन अधिकारियों पर लगाया लापरवाही का आरोप। वहीं मंडी परिसर में विधायक द्वारा निरीक्षण की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भाजपा विधायक स्वयं अपने लाओ लश्कर के साथ मंडी में चल रहे विकास कार्यों की जांच परख करने आए हैं। विधायक रामशरण वर्मा का आरोप है कि किसानों की मंडी परिसर में विकास कार्य में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री घटिया किस्म की है, जिसमें पुरानी ईंट उखाड़कर बेच ली गई है और पीला ईंट लगाकर घोटाला किया जा रहा है। यही नहीं, मंडी परिसर में मंडी सचिव पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए विधायक ने हरे भरे पेड़ कटवाने की बात कही। बताते चलें कि रामशरण वर्मा बीसलपुर विधानसभा से भाजपा विधायक हैं, जो बीते दिनों डीएम के विवाद में खासा चर्चा में रहे हैं। वही विधायक अब अधिकारियों से विकास कार्यों में घोटाले की बात न कहकर स्वयं ही विकास कार्यों की जांच कर अधिकारियों को उनके कारनामे गिना रहे हैं। उत्पादन मंडी परिसर में कुछ निर्माण कार्य चल रहा है। जानकारी प्राप्त हुई कि स्टेट वेयर हाउसिंग की गोदामों का कार्य निर्माणाधीन है। इसमें मुझे शिकायत मिली है कि यहाँ पर बहुत सारा पेड़ खड़ा था, पेड़ भी सारा कट गया है, जिसके सामने मैंने डीएफओ को सूचना दे दी है और वो लोग अपने स्तर से इसका निरीक्षण करेंगे। दूसरा, यहाँ पर पुरानी ईंटें लगी हुई थी, उनको उखाड़ा गया है और वो ईंटें भी बिक्री कर दी गई हैं, जिसकी मंडी समिति की सचिव की जिम्मेदारी है, उसको ही देखना चाहिए था, इसके लिए वो दोषी। और तीसरे, इसमें मंडी में जो प्रयुक्त हो रही सामग्री वो गुणवत्ता विहीन है, जिसमें ईंटें तो बहुत ही बेकार हैं, पीला और दो नंबर की ईंटें हैं।